हे हाय हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने आइकिया स्टोर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो पार्ट 1 देख लीजिए। ये जो अभी अपलोड कर रही हूँ ये पार्ट 2 है, तो इसमें मैंने और भी सेट्स यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ डिटेल में शूट किया है। तो यानी कि बेडरूम्स का, लिविंग रूम, इवन बाथरूम, किचन सेट्स का, सारे के सारे इसमें भी मैंने दिखाने का ट्राई किया है। तो ये जो है ये आइकिया स्टोर बहुत ही बड़ा है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक दिन में नहीं होने वाला है, और मैंने बहुत डिटेल में वीडियो शूट किया है, तो फिर ये एक ही वीडियो में नहीं आ पाएगा। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे डिटेल में शूट किया है, इसलिए मैं इसको 3 या 4 पार्ट। तो देखिए पेंटिंग्स भी डाला हुआ है, कैनवास पेंटिंग्स। तो सबका इंडिविजुअल रेट्स हैं, आपको जो पसंद है वो आप तो यहाँ से लेके जा सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से आइडिया लेके आप खुद भी बना सकते हैं। और फोटो फ्रेम्स भी छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़े फ्रेम तक भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये एक टीवी यूनिट है और सब कुछ आप तो यहाँ का सारे फर्नीचर्स जो है वो डिसमेंटल कर सकते हैं आप, तो डिसमेंटल करके आप कहीं पे भी जाके असेंबल कर सकते हैं। तो वो एक ले देख सकते हैं आप, टेबल लैम्प था वो पेंसिल शेप में था, और ये सारे कैनवास पेंटिंग्स है। तो मैं आपको ये कंप्लीट मतलब डिटेल में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ से आइडियाज़ तो ज़रूर मिलेंगे, आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको जो पसंद आया वो ख़रीद के लेके जाके आपके टेस्ट के हिसाब से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये यहाँ के आइडिया भी आप ले सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए ये हॉल में डालने वाला एक सेंट्रल लैम्प है, लैंटन है, तो ये देखिए कितना अच्छे से खूबसूरत दिख रहा है ना ये। तो ये सिर्फ आप देखा जाए तो एक सिर्फ बल्ब रखा है और पेपर्स के लेयर्स को डाला है, 6-7 पेपर्स के लेयर्स को डाला है। तो इतने छोटे छोटे चीज़ भी आप यहाँ पे आके देखेंगे ना अच्छे से डिटेल में, तो आपको आइडियाज़ तो ज़रूर मिलेंगे। तो दूर से देखेंगे तो कितना अच्छा दिखता है, कितना बढ़िया है वो लैंप, बट आप पास में जाके आप देखेंगे तो ये सिर्फ पेपर से बनी हुई है। तो आप भी ऐसे पेपर्स वगैरह यूज़ करके आप लैंटर्न्स बना सकते हैं आपके घर के लिए, और ऐसे आप कुछ बनवा सकते हैं कारपेंटर से बोल के। तो वॉल हैंगिंग है, वॉल माउंटेड है, तो बस वो एक प्लाई से भी आप बना सकते हैं वैसा, और बस होल करवाना है आपको, तो आपके गार्डन में भी आप उसको डाल सकते हैं जहाँ पे आप छोटे छोटे प्लांटर्स को रख सकते हैं उसके ऊपर। सबका रेट्स यहाँ पे उन्होंने डाल दिया है। और एक डाइनिंग टेबल है छोटा सा, आर्टिफिशियल प्लांट्स भी यहाँ पे हैं और लाइव प्लांट्स भी है, लाइव प्लांट्स ख़रीदना चाहते तो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और एक और मॉडल का ये किचन का मॉडल है, तो यहाँ पे तो मैं स्टार्टिंग में बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, और बाद में तब तो कैसा ना, मैंने जब जैसे आप पहले ही भी बता चुकी हूँ कि तो एक दिन में ये नहीं होने वाला है, आपको टाइम निकाल के जाना पड़ेगा पूरा अच्छे से देख के शॉप करके आने के लिए। ये देखिए ये बेडरूम का है,
सेटअप लैम्प ब्लैंकेट्स कंफर्ट्स नो बेडशीट्स सब ये देखिए ये 260 रुपीज़ है। इसके नीचे व्हील्स भी लगी हुई है तो आप उसमें बच्चों का टॉयज़ वगैरह स्टोर कर सकते हैं। मतलब होम के रिलेटेड ऐसा चीज़ नहीं है इधर, ऐसा नहीं है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इधर। ये आर्टिफिशियल प्लांट है और नीचे फ्लोरिंग के लिए टाइल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वो गार्डन में भी फिक्स कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप एक बालकनी में फिक्स कर सकते हैं। तो ये सब लाइट वेट है। ये एक बालकनी में भी आप ऐसे सेटअप्स कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके गार्डन एरिया है तो गार्डन में भी ऐसा सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले सकते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन 400 रुपीज़ 45,000 है। और एक वुडन टेबल है हैंगिंग पॉट्स है यहाँ पे, ये आपके गार्डन में आप लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं। ये टीवी यूनिट है, तो यहाँ का कर्टन्स भी आप को पसंद आता है तो यहाँ से कर्टन्स भी आप ले सकते हैं। और ये सोफ़ा सेट्स चेयर का अलग से सेक्शन है जहाँ पे इन्हें बहुत सारे सोफ़ास देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फैब्रिक का भी है सोफ़ास, यानी अलग अलग फैब्रिक का सोफ़ा है, उसका सेक्शन अलग है, चेयर की सेक्शंस अलग है, टेबल्स का सेक्शंस अलग है, किचन आइटम्स का सेक्शंस अलग है। तो आपको वो भी मैं आपके लिए मैंने शूट किया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। आर्टिफिशियल फ्लावर्स और ये ग्लास का पॉट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, और एक क्लॉक है, क्लॉक्स भी है यहाँ पे, तो आप एक बार ज़रूर जाइए इधर। आप कुछ खरीदेंगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन एक बार जाके विजिट ज़रूर कीजिए तो आपको एक आइडिया ज़रूर आएगा कि आपके घर के लिए कौन सा चीज़ ठीक है कौन सा चीज़ नहीं है, और आपके घर को आप कैसे रख सकते हैं बेहतर। और आप अगर नया घर खरीदा है और इंटीरियर करना है तो ज़रूर एक बार यहाँ पे विज़िट कीजिए, और आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका यूज़ हो। तो कैंडल होल्डर्स भी हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सारे चीज़ें जो है वो सिर्फ डिस्प्ले के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब उन्होंने फिक्स करके रखा है, आप कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं उठा सकते हैं, सब फिक्स किया हुआ है सिर्फ ये देखने के लिए। और इधर का कोई भी चीज़ आपको पसंद आता है तो आप मार्केट प्लेस में जाके आप वही चीज़ ले सकते हैं। ये देखिए अगेन एक और किचन का सेटअप है, जैसे मैंने आपको कहा है कि किचन मतलब एक ही किचन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे किचन सेटअप्स यानी 15-20 किचन सेटअप्स आपको देखने को मिल जाएगा, और वैसे ही बेडरूम का और लिविंग रूम का भी है।
15-20 किचन सेटअप्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, वैसे ही डाइनिंग एरिया के सेटअप्स, बेडरूम के सेटअप्स और लिविंग एरिया का, तो सारे के सारे आपको 15 से 20 सेटअप्स यहाँ पे उन्होंने सेटअप करके रखा है, सारे चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो आप एक ही देख के डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सब घूम के सब कुछ देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या यूज़फुल है क्या नहीं है करके। और यहाँ पे जो भी है सब एडजस्टेबल है, तो आपको मतलब एक रैक दिया हुआ है, आपको आपके अंदर जो भी सामान आप रखेंगे उसके हिसाब से आप शेल्फ्स को एडजस्ट कर सकते हैं, वैसा फैसिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सब में है, एक में ही नहीं है, ये सारे वार्डरोब्स में अवेलेबल है। इसके लिए उन्होंने इतने सारे होल्स अंदर करके रखा है ताकि आप अंदर क्या रख रहे हो उसके हिसाब से आप ये शेल्फ्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों के लिए ही मैंने डिटेल में यहाँ पे वीडियो शूट किया है। तो बस मैं अभी म्यूज़िक ऐड करूँगी, अगर कुछ डिटेल्स यहाँ पे कुछ डिटेल्स देने का रहेगा तो मैं वॉइस ओवर ज़रूर दूँगी। बस आप वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर कीजिए। मैं इसका थर्ड पार्ट भी नेक्स्ट अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला है कि डिटेल में शूट किया है, तो फिर ये एक दो वीडियो में नहीं बैठ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो 20-20 मिनट का ही मैं वीडियो बना रही हूँ, एक एक वीडियो, तो इसके लिए मेरे को 3-4 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ा। तो नहीं तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, एक ही वीडियो में मैं सब कुछ डालूँगी। तो बस आपके लिए ही मैंने डिटेल में वीडियोज़ को शूट किया है, बस आप एंड तक वॉच कीजिए। अगर कुछ डिटेल्स देने का रहेगा तो मैं वॉइस ओवर ज़रूर दूंगी। बस अभी वीडियो म्यूजिक में दे रही हूँ। तो यहाँ से आपको ये पूरा सोफ़ा का ही सेक्शन है, तो बहुत सारे टाइप के 2 सीटर, 3 सीटर्स, एल शेप का, यू शेप का, सारे टाइप्स के और डिफरेंट फैब्रिक्स के सोफ़ास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये पूरा सेक्शन जो है वो सोफ़े का ही है। तो ये सोफ़ा का बेड बेड भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो बस आप देखिए।
तो ये सब जो है वो सेंटर टेबल का सेक्शन है। तो डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट हाइट के आपको सेंटर टेबल यानी टी टेबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं आइकिया स्टोर का ही
पार्ट 3 का भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी बहुत जल्दी ही। इन केस आप मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी एक भी चीज़ इसमें पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।